दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक विद तनवीर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होता क्या है कि हम लोग के साथ हम लोग की सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की बात होती है कि अपने YouTube के चैनल के सब्सक्राइबर को और व्यूवर को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने YouTube के चैनल के सब्सक्राइबर को आप इंड स्क्रीन से कैसे बढ़ा सकते हैं। एक्चुअल में इंड स्क्रीन चार पांच तरीके से होता है। होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी वीडियो को लास्ट इंड करते हैं या प्ले करते हैं, जब भी हम लोग कोई वीडियो YouTube के अंदर देखते हैं तो होता क्या है कि जब हम लोग हमारी वीडियो खत्म होने वाली होती है तो कुछ दो चार वीडियो आ जाती हैं। या आप इंड स्क्रीन के लिए आप अपने सब्सक्राइबर को भी लगा सकते हो सब्सक्राइब का आइकन। दोस्तों होता क्या है कि कुछ हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइब नहीं करना जानते हैं कि कैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आप वहां पर भी सब्सक्राइब का आइकन लगा सकते हो और अपने सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं। पहले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग इंड स्क्रीन लगाते हैं। इंड स्क्रीन को लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने YouTube को लॉगिन कर लेते हैं। इसके लिए आप अपने Google Chrome ब्राउजर से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर चला रहे हैं तो आप मोबाइल में लॉगिन करने के बाद Google Chrome के अंदर आप डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिएगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये हमारी वीडियो आ गई है, इसमें हम डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर आपको देखिए इंड स्क्रीन का ऑप्शन दे रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे अब हम क्या काम करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा हमारा जो कर्सर है उसको हम लास्ट में कर लें जहाँ पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि इंड स्क्रीन वीडियो खत्म होने पर या वीडियो खत्म होने के जैसे एक दो सेकंड बाकी है वहीं पे लगाते हैं। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप कोई वीडियो या प्ले लिस्ट लगाना चाहते हैं तो उसको लगा सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट को लगा लेता हूँ अभी, किसी भी फर यहाँ पर मान लीजिए मैंने टिप्स एंड ट्रिक को लगा लिया। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा देते हैं, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब आप चाहे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन लगाए जो चैनल का, जैसे मान लीजिए हमारा चैनल जो है उसको हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हम इसको लगा देंगे जैसे ही, तो यहाँ पे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन। उसके बाद हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे।